आज बात करने वाले हैं आईफोन 16 की, 16 प्लस की, 16 प्रो की, वहीं 16 प्रो मैक्स के बारे में। तो देखते हैं क्या इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 16 एंड 16 प्लस की। इसमें 6.1 का डिस्प्ले दिया गया है, वहीं 2000 निट्स दी गई है, 2556x1179 का पिक्सल दिया गया है। और पीपीआई की बात करें तो इसमें 460 की पीपीआई दी गई है। आईफोन 16 प्लस के डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया गया है, वहीं 2000 निट्स दी गई है। और पिक्सल की बात करें तो 2796x1290 पिक्सल दिया गया है। और पीपीआई की बात करें तो 460 पीपीआई दी गई है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा सिस्टम के। कैमरा में आईफोन 16 में दो कैमरा दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल। वहीं फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, 4K रिकॉर्डिंग दी गई है। और 16 प्लस में भी दो कैमरा, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है, वहीं 4K रिकॉर्डिंग दी गई है। अब बात करते हैं आईफोन 16 और 16 प्लस में सीपीयू A18 दिया गया है, 4 कोर जीपीयू दिया गया है और iOS 18 पे चलता है। वहीं बात करते हैं इसकी वेट की तो 170 ग्राम का इसमें वेट दिया गया है और चार्जिंग पॉइंट इसमें सी ही चलेगा। 16 प्लस में सीपीयू A18 दिया गया है, वहीं 5 कोर जीपीयू दिया गया है। और iOS की बात करें तो 18 पे चले गए और वेट में 199 ग्राम इसका वेट दिया गया है और चार्जर टाइप सी दिया गया है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं स्टोरेज की। आईफोन 16 में 128 GB के साथ 256 GB, वहीं 512 GB के वेरिएंट के साथ आता है। वहीं प्लस की बात करें तो इसमें 128 GB, 256 GB, वहीं 512 GB के साथ आता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस में इन फोन में 16 और 16 प्लस में जो 128 GB का दिया गया है 79,900, वहीं 256 89,900 रखी गई है और 512 GB 1,09,900 रुपीज रखी गई है। 16 प्लस की बात करें तो इसमें आपको 128 GB 89,900 का पड़ेगा और 256 की बात करें तो 99,900 का पड़ेगा। वहीं इसमें 512 GB लेते हैं तो आपको इसमें 1,19,900 रुपीज का पड़ेगा। अब बात करते हैं 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स के बारे में। सबसे पहले बात डिस्प्ले की। डिस्प्ले 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है प्रो में और 2000 निट्स दी गई है, 2662x1206 पिक्सल दिया गया है। और पीपीआई की बात करें तो पीपीआई इसमें आपको 460 की पड़ेगी। वहीं प्रो मैक्स के डिस्प्ले की बात करें तो 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और 2000 निट्स दी गई है। वहीं अगर बात करें पिक्सल की तो पिक्सल इसमें 2868x1320 दिया गया है और पीपीआई में इसमें 460 ही दी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं इसमें कैमरा सिस्टम की। कैमरा सिस्टम में आईफोन 16 प्रो में 3 कैमरा दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और रिकॉर्डिंग आप 4K तक कर सकते हैं। वहीं प्रो मैक्स में भी 3 कैमरा दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और फ्रंट वे 12 मेगापिक्सल। और इसमें भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं आईफोन 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स में। सीपीयू आपको A18 प्रो मिलेगा, वहीं 6 कोर जीपीयू मिलेगा। iOS 18 पे रन होता है। वहीं वेट की बात करें तो 199 ग्राम दिया गया है, चार्जर टाइप सी दी गई है। प्रो मैक्स में आपको सीपीयू
A18 प्रो ही मिलेगा, वहीं आपको 6 कोर GPU मिलेगा। iOS 18 पे चलता है, वहीं अगर बात करें वेट की तो 1227 ग्राम का वेट दिया गया है, और चार्जिंग टाइप इसमें सी लगेगा। अब बात करते हैं iPhone 16 प्रो के स्टोरेज की बात। स्टोरेज में इसमें 128 GB, 256 GB, 512 GB मिलेगा, वहीं 1 TB भी इसमें एडिशनल चार स्टोरेज में है। प्रो मैक्स की बात करें तो आपको यह है 256 GB, 512 GB और 1 TB में पड़ेगा। प्राइस की बात करें तो iPhone 16 की बात करें तो 128 GB आपको 1,19,900 में पड़ेगा, वहीं आपको 256 की बात करें तो 1,29,900 में मिलेगा, और 512 GB 1,49,900 का मिलेगा, और 1 TB की बात करें तो 1,69,900 में मिलेगा। बात करें प्रो मैक्स की तो प्रो मैक्स में 256 GB आपको 1,44,900 में मिलेगा, वहीं बात करें 512 GB की बात करें तो 1,64,900 का मिलेगा। प्रो मैक्स में आपको अगर 1 TB वेरिएंट वाला फोन लेते हैं आपको, तो ये आपको 1,84,900 का मिलेगा। तो आपको इस फोन के फीचर्स कैसे लगे एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और भी काफी सारे फीचर्स फोन में, नए वेरिएंट में फोन को, जैसे आप कोई भी एक्शन बटन मिलेगा आपको इसमें, उस फोन में इनेबल कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।